शेरू तू वहां क्या खड़ा है यार? मुंह क्यों छुपा रहा है? क्या मुंह दिखाने लायक नहीं बचा या किसी ने मुंह पे लिख दिया फिटे मुंह? नहीं अंकल, दरअसल बात यह है कि मैं घबरा रहा हूँ कि कहीं प्रीति के पापा को ये मुंह पसंद नहीं आया तो। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। शेरू घबरा मत, तेरा यही मुंह चलाने की कोशिश करते हैं। ओ शेरू, मेशी, तू बिन बताए बेवक्त कोई बुरी खबर लाया क्या? बुरी हो भी सकती है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? और ये क्या ले आया? क्या नहीं, किसे ले आया हूँ? शेरू, ये वो लड़का है जो शादी के लायक हो गया है। लेकिन इसे यहाँ क्यों ले आया? शादी के दफ्तर ले जाता। ये कहता है कि ये उसी लड़की से शादी करेगा जिसे तू विदा करेगा। हाँ? क्यों, मैं क्या किराए का बाप लगता हूँ? इतना मुंह क्यों छुपाता है? शर्माता है? नहीं, घबराता है। घबराता है? अभी से घबराएगा तो शादी के बाद क्या करेगा? खैर, एनीवे, डोंट वेस्ट माय टाइम। कोई काम की बात हो तो बताओ, वरना मैं चला। ओ देख, तूने अगर काम की बात सुननी है ना तो पहले हम दोनों को बिठा। हाँ ठीक है, आजा। चल भाई, कह रहा बैठ। देखो, हाँ जी, इसकी शादी की बात छोड़ के कोई और बात हो तो बता। इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मुंह छुपाता है, शर्माता है, घबराता है, अभी से सारा कुछ करता है, तो क्या लड़की इसका घूंघट खोलेगी? काम की बात बता, जल्दी बता। ओ यार, अब मैं भी किस मुंह से बताऊं? यार शेरू, तू एक लड़का अडॉप्ट कर ले यार। क्यों अडॉप्ट क्यों कर लूं? करना होगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं कैपेबल हूँ। मेरा मतलब है तू एक दामाद अडॉप्ट कर ले। तू खुद ही कहता था ना तुझे घर जमाई चाहिए। कहाँ है ये? है ना? ओ यार हाथ हटा, अब तो मुंह दिखाना ही पड़ेगा। ये देख, तू खड़ा क्यों हो गया? गले लगाना है? लगा ले, लगा ले। ये जमाई है कि जमादार है? ना ना ना, ये वेटर है, दिल्ली वाला वेटर। तेरी पार्टी में भी था। मेरी पार्टी? ये मेशी कंफर्म वेटर है। और नहीं 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 शेरू, तुझे धोखा हुआ है। ये तो बड़ा खानदानी लड़का है, बल्कि आजादी की जंग में इसके सारे मार खाप गए, वरना मैं इसके पूरे खानदान का पता तुझे दे देता। मेशी, ये कंफर्म वेटर है। रुक जा, चारू, प्रीति, इधर आओ। खड़ा हो जा यार, हो जा। मर गए महान जी। जल्दी आ, और जल्दी आ। हां जी चारू, पहचान से, ये वही वाला वेटर है जो हर पार्टी में होता है, दिल्ली वाला वेटर। डर मत, सच बोल। हाँ जी, वो लगता तो वही है। सुनो जी, ये वेटर नहीं है, वेटर तो ये सिर्फ शौक से बनता है। हाँ। शौक से बनता है? इधर आ, इधर आ, जा भाई। और शादी कर रही है कि नहीं? जा। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, मुझे डराता है, सताता है, रात को ख्वाबों में आकर मेरी नींद आराम करता है, और तेरा बेड़ा कर को है। और क्यों बनता है तू वेटर? क्यों बनता है तू वेटर? बेटा थोड़ा पिटले पक्का हो जाएगा, शादी के बाद ये प्रैक्टिस काम आएगी। पापा छोड़ दीजिए, ये हालात के मारे में आपकी माँ की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, क्या करें आप भाई साहब? चल शेरू, छोड़ दे यार, काफी हिल गया है। और मेशी, तू दोस्त है के दुश्मन? क्यों भाई, वो इसका रिश्ता लाया। यार ये बंदा बुरा नहीं है, सिर्फ पैदा गलत जगह हो गया है। जी ये दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुमसा हुआ है बस। अच्छा है। और तुम सब इसको जानते हो? वो आज के जानते हैं, पिछले 2 साल से पीछे पड़ा हुआ है यार। शेरू यार, एक काम करते हैं। देख, तूने इसको परखे बगैर मानना नहीं। ले, इसके जितने इम्तिहान लेने ले ले, पर इसको पूरा मत मारियो, घर आने लायक छोड़ दियो। चल ठीक, इसे यही रहने, यही रहने दे इसे। प्रीति, चारू, चलो अंदर। जी हम तो सिर्फ खड़े रहकर देखेंगे, चुपचाप कोने में। अच्छा भाई, मैं चलूं फिर? अकेले, अकेले, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए, मुझे अकेले एग्जाम नहीं देना। देख बेटा, एग्जाम तो अकेले देना पड़ता है, नहीं। शादी भी अकेले करनी पड़ती है, नहीं। मरना भी अकेले ही पड़ता है, नहीं। कल क्यों बेटा? कल यार, जो पिटना पिटाना है आज ही पिट लेना, कल पे क्यों छोड़ता है? कल प्लीज, कल पे प्लीज बोल रहे भाई साहब, प्लीज बोला।
भाई शेरू प्लीज बोल दिया यार, मैं तेरा बकरा ना कल छोड़ जाऊंगा, जरा तैयार शैयार करके। ओके बाय, मैं चला, तू भी आ जाइयो। सुनो जी, साहब मुझे अपना केस दे दो ना, 6 महीने से एक भी केस नहीं लड़ा, बहुत बुरा हाल है साहब, दे दो ना प्लीज। अरे भाई मैं क्या करूं, मेरा ऐसा कोई केस नहीं है भाई, चलो। अरे साहब मैं भूखा मर जाऊंगा, प्लीज दे दो ना। अरे कमाल है, वकील हो या भिखारी, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे साहब दे दो ना। अरे कमाल करते हो यार, देखो नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। पता था शक्ल से आप खूनी लगते हो साहब, मैं आपका केस लड़ूंगा। मैंने 1 नहीं 11 खून किए दिन दहाड़े, सारे सबूत मेरे खिलाफ है, वो लड़ेगा। फिर तो आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, मुझसे पहले मरोगे। लगी शर्त, नहीं मरूंगा। देखो अगर मैं शर्त जीत गया तो मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। मंजूर। तो सुनो, फांसी की सजा तो मुझे हो जाएगी, लेकिन जब मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी तब मैं कहूंगा कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, और फिर ऐसा गाना गाऊंगा कि उम्र बीत जाएगी मेरी और उनकी, लेकिन मेरा गाना खत्म नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। अरे वाह उस्ताद, मान गए तुम्हें। तो अब सीधा जेल चला जा और किसी खूनी का केस ले ले, वो मरेगा नहीं, वो गारंटी हमारी, और दूर होगी तेरी बेकारी। हम हैं आपके आभारी। वाह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमाल है, अब हमारे यहाँ खड़े रहने में भी आपको दिक्कत है। ओ हाँ, इतनी शुद्ध और ताजी हवा और कहाँ मिलेगी। ठीक है आप खड़े रहिए, मैं चलती हूँ। अमा रुकिए भी, कहाँ जा रही हैं आप? इत्तफाकन हम लोग मिली गए हैं, तो चलिए जाकर कहीं बैठ के एक कप कॉफी पी लेते हैं। आप भी क्या याद करेंगे? याद तो मैं आपको बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं करूँगी। सॉरी मुझे देर हो रही है। कमाल है रुकिए भी, आपको हमेशा जाना ही होता है। इतनी विनती अगर मैं जॉर्ज बुश से भी करूं तो वो भी रुक जाए, और तो और ऊपर वाला सबकी सुन लेता है, और आप है कि मेरी एक जरूरी से जरूरी बात भी नहीं सुन सकती। आपको तकलीफ क्या है? अरे आप खफा क्यों हो रहे? मैं तो क्या, जीना हराम का रखा है आपने, ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन मिलता है। अच्छा खासा इंसान बनाकर ऊपर वाले ने भेजा था, उल्लू का पट्ठा बना दिया है आपने। ऐसा होता है आज, बावला हो गया हूं, बावला, एक सुर ठीक से नहीं लगता, और आप है कि मेरी बात सुने बगैर जाना चाहती है, और जाना चाहती है तो कहां। देखिए आपको जो भी जरूरी बात कहनी है आप कह दीजिए, मैं सुन रही हूं। जिस दिन से भगवान ने लड़की को बनाया है ना, तब से किसी को भी चैन नहीं है, ना आदमी को ना खुद भगवान को। ये आपकी जरूरी बात है? अरे जरूरी तो कई बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मुझसे शादी करेंगी। हाँ मालिनी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इतना कि अल्फाजों में बयान ना हो पाए। मैं कोई राजा ना सही, लेकिन मैं तुम्हारी कोई आरजू कोई भी ख्वाहिश पूरी किए बगैर मरूंगा नहीं, जीऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना प्यार दूंगा कि 7 जन्मों की प्यास बुझ जाए। जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ उतना तुम्हें कोई नहीं चाहेगा मालिनी। तुम्हारे प्यार ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, और क्या तुम इस अच्छे इंसान की जीवन संगिनी बनोगी? बनोगी? राहुल ऐसी बातें मत करो प्लीज। कैसा बुद्धू बनाया, तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी। कमाल है, मैं कभी सीरियस हुआ हूं जो तुम सीरियस हो गई। हाँ ऐसा मजाक फिर कभी मत करना राहुल प्लीज। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। Oh.
अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी तो दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है, इसने तो दरवाजा 3 बार खटखटाया है। अंदर आ जाओ अपॉर्चुनिटी, आकर शक्ल दिखाओ। तुम आ गए इम्तिहान देने, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने अपने आप को अपॉर्चुनिटी क्यों कहा? ये अपॉर्चुनिटी जब आती है तो दिखती नहीं, समझदार उसे अपना लेते हैं और बेवकूफ उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फैसला आपका है। फैसला तो हम 2 मिनट में ही कर देते हैं। ये बाप रे, ये आप अपने औजार क्यों चमका रहे हैं? तुम्हारे लिए। मुझे काटेंगे? नहीं, पहले कटवाएंगे। क्या, किसे? देखिए, मैं जवाई हूँ, कसाई नहीं। मुझे लगा आप मेरा इम्तिहान लेंगे। उसी की तो तैयारी है बेटा, पहले तुम्हें रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और आखिर में मेडिकल। मैं शादी करने आया हूँ जी, फौज में भर्ती होने नहीं आया हूँ। शादीशुदा जिंदगी तो फौज की जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होती है। बंदे का फिजिकली और मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। प्रीति जी से मैं प्रेम करता हूँ जी, शादी के बाद उनकी मार भी सह लूंगा। वही तो हमने देखना कि तू कितना टफ है। औरत के जुल्म कब तक सह सकता है? कहीं प्रीति को छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा? खैर, पहले तू मेंटल इम्तिहान पास कर ले, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रुक जा। जब आगे बढ़ेंगे तो ये औजार किस काम आएंगे जी? ये फिजिकल टेस्ट में काम आएंगे। हम घर में ये देखेंगे तू कौन कौन सा सामान बना सकता है, धुलाई बुनाई कटाई सफाई सब तुमसे करवाएंगे और आखिर में कुश्ती भी करवाएंगे। कुश्ती? देखिए, मैं प्रीति जी का हाथ मांगने आया हूँ, आपका नहीं। घर के बाकी काम के लिए टेस्ट जरूरी है, मानता हूँ, मगर कुश्ती की क्या जरूरत है? जरूरत है, प्रीति की रक्षा कैसे करेगा? उस हल्की फुल्की को तो कोई भी उठाकर लेके जा सकता है। अरे ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा कोई, मैं उसे जान से मार दूंगा। शाबाश, वही देखना। बस आखिर में मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेना, फिर हमारी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हो जाएंगी और तुम्हारी वो तो तुम्हारी ही रहेंगी। जी एक बात बताइए, ये मेडिकल टेस्ट का सारे कपड़े उतार कर होंगे? हाँ तो? नहीं नहीं, मुझे बड़ी शर्म आती है, क्या जरूरी है? बेटा आजकल मेडिकल टेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पता तो चले कि तुम्हें HIV है, एड्स है, एपिलेप्सी है, मिसकैरेज है, डायबिटीज है, अस्थमा है या डेंगू है। बस बस बस, ले लो जी टेस्ट। इतना साफ सुथरा दामाद तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चिराग से क्यों ढूंढेंगे, हम तो रिपोर्ट देख कर ढूंढेंगे। खैर पहले तू अपना मेंटल इम्तिहान पास कर ले, ये कागज ले जा, कोने में बैठ जा और जाके टोटल कर जा। टोटल? गृहस्थ जीवन में अकाउंट्स का क्या काम? देखिए, शादी खातों का नहीं आत्माओं का मिलन होता है। खाते शादी के बाद काम आते, ये अकाउंट्स हमारे लिए हैं। प्रीति की शादी करें, हमारा भी तो कोई फायदा हो, ये अकाउंट्स बरखुरदार तुम हमारे लिए करोगे। ये तो चीटिंग है, शादी एक प्रीति से करो और काम सारे परिवार का करो। ये चीटिंग नहीं है, ये प्यार करने की सजा है, प्यार बड़ी कुर्बानियां मांगता है। तू फंस गया है, चल। इतनी सी प्रीति के लिए इतनी बड़ी सजा है? अरे बाप रे, ये इतना बड़ा क्या है? कितनी रकमों का हिसाब लगा के टोटल दिखाना है आपको? 9,999 हर रकम लाख से ऊपर की है। अरे इतना बड़ा हिसाब मैं कभी नहीं लगा सकता, क्यों फेल करने पर तुले हुए हो? अच्छा आसान लगा लेगा। अच्छा ये बता कि 5 और 5 कितने होते हैं? 5 और 5 10 10 होते हैं जी। गलत है? वो तो 6 और। पिया जी, अरे पिया जी मुबारक हो। मालिनी जी कह रही थी कि आपको डाइवोर्स जजमेंट के पेपर मिल गए जी। अरे वाह, एलिमनी कितनी मिली? एलिमनी क्या? मेरा मतलब है ऑल हिज मनी। भाई ये पैसा पतियों को, एक्स पत्नियों को हर जाने में देना पड़ता है, ये शादी करने की सजा होती है उनकी। मुझे उनका एक पैसा भी नहीं चाहिए। वाह वाह पिया जी, अगर ये जज्बा हर पत्नी में आ जाए तो पति के लिए तलाक देना कितना आसान हो जाए। जस्ट जोकिंग। अच्छा अब बैठकर लिस्ट बना लें। लिस्ट किसकी, आपकी डिमांड्स की? नहीं नहीं पिया जी, भाई शादी में किन दोस्तों को बुलाना है, किन रिश्तेदारों को बुलाना है, किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। वैसे हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? अरे पिया जी हम तो काफी लेट चल रहे हैं, हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए। वही तो मैं कह रही हूँ,
हमें खुशी के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली पिया जी, सोच तो मैं भी खुशी की शादी के बारे में रहा था, लेकिन अपनी लाइन ज्यादा क्लियर हो गई। समझ में नहीं आता ये ऊपर वाला चाहता क्या है। सबके सामने हम शादी करेंगे सोच के ही बड़ा अजीब लग रहा है। जी हाँ, अजीब तो लगेगा ही जब आपकी सहेलियां आपसे पूछेंगी, पिया ये तेरे पति ने नया सूट पहना है, थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, तो आप कहेंगी नहीं विमला, ये पति ही नया है। जस्ट जोकिंग यू नो। और अगर विमला ने कहा कि सेकंड हैंड पति है तो फिर जरूर सस्ते में मिला होगा, मुझे भी उसका एड्रेस देना तो। तो उनको मेरा एड्रेस दे दीजिएगा, भाई उनको वेटिंग लिस्ट में रख लेंगे। एक बीवी झेलनी मुश्किल होती है और आप लिस्ट बना रहे हैं। अरे पिया जी, पत्नी तो संगनी होती है जो हर दुख मुश्किल में साथ देती है, इसलिए मोर द मैरियर। साथ तो देती है, मगर आपने ये सोचा है कि दुख और मुसीबतें आती कहाँ से हैं? संगनी जब बीवी बन जाती है ना तो दुख मुसीबतें साथ ले आती है। नहीं पिया जी, मैं एक बार शादी का लड्डू खा चुका हूँ, बड़ा ही स्वाद लगा था, दोबारा तो खा के ही रहूंगा। अच्छा खाइए, झेलना तो आपको है, मेरा क्या, मैं तो बड़े ठाट वाट से जीऊंगी, मनमानी करूंगी और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं आपके हर बात मानूं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। तो पिया जी, मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी हर बात माने, मैं तो करूंगा ही ना। अरे आपको तो एक शादी का एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करेंगे। पिया जी आप मुझे डरा रही हैं। जी पिया जी, कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं डरने वाला नहीं, हाँ शादी के बाद भले ही डर जाऊं। अच्छा तो अब शादी की बात करें, आपको बिग वेडिंग्स पसंद है या लिटिल वंस? बिग वेडिंग्स के बगैर लिटिल वंस कैसे ला सकते हैं? पिया जी मैं वो लिटिल वंस की बात नहीं कर रहा, मैं तो जानना चाहता हूँ शादी कैसे करनी है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि विचित्र निगाहों से लोग हमें देखेंगे और फिर हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तो हमारा तो हाल बुरा हो जाएगा ना। पिया जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो अभी से शर्माने लगी है। और जब लोग ये सुनाएंगे कि बेटी की जगह बाप को अपनी शादी की पड़ी है तो? अच्छा लोग ऐसा भी कहेंगे? पिया जी ये लोग सुनाते क्यों हैं? खैर तो अब हमें करना क्या होगा? हमें अपनी शादी का भूलकर खुशी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। पिया जी दिल की बात बताऊं, मैंने तो सोचा था सिर्फ अपनी शादी करूंगा, खुशी की करूंगा ही नहीं, इस तरह खुशी भी मेरे साथ रहेगी और आपसे मिली खुशियां भी। वाह डॉक्टर साहब, दुनिया में ऐसे थोड़ी ना होता है। पिया जी मैं ऐसी दुनिया बनाता जरूर, लेकिन किसी ने सच कहा है या तो दुनिया को सुधार लो या इसे एंजॉय करो। भाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूँ, सुधारूं या एंजॉय करूं। झूम ले नाच ले ना कर इंतजार, बड़ी खुशी के चक्कर में नन्ही ना कर बेकार, ए इधर उधर बिखरी है कितनी है खुशियां, तेरा दामन भर जाएगा इतनी है खुशियां, सोच सोच घबराना प्यारे कर ले तू मस्तियां, सोच सोच घबराना